अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शामी कबाब की रेसिपी, बीफ के शामी कबाब की रेसिपी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, तो स्किप नहीं करिएगा, गौर से एंड तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं बीफ 41 kg, चने की दाल 1/2 kg, दाल को अच्छी तरह धो के भिगो के रख दें। और उसके साथ हमें ये चाहिए अनियन, जिंजर, साबुत लाल मिर्च, एक प्याज को 4 पीस में कट कर लिया है, अदरक के 2 पीस लिए हैं, साबुत लाल मिर्च लिए हैं, सॉल्ट 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, हसबे जायका आप ले सकते हैं। उसके बाद साबुत खड़ा गरम मसाला लिया है, काली मिर्चें, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग। सबसे पहले हम गोश्त में तमाम चीज़ें डालकर इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त आधा गल जाए। तो यहाँ तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने पानी के साथ ऐड कर दिए, इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और इसके बाद हम इसमें चने की दाल ऐड जब करेंगे, जब ये हाफ गोश्त गल जाएगा, पूरा नहीं गलाना, जब हाफ गोश्त गल गया है तो इसमें यहाँ मैंने जो पहले से भिगो के रखी हुई थी वो दाल ऐड कर दी है। और इसको इतनी देर तक पकाना है कि दाल अच्छी तरह से गल जाए और इसका पानी पूरा ड्राई हो जाए। जब मसाला गल गया तो उसके बाद उसको बारीक चॉप्ड करके अब उसमें यहाँ पर हम हरा मसाला ऐड करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। इसको मैंने हल्का सा चॉपर में चला लिया है ताकि ये मोटा नहीं रहे, बारीक हो जाए। और इसके साथ हम इसको इसमें ऐड करेंगे 2 eggs। तो eggs डायरेक्ट कभी भी ऐड नहीं करना है, उसको अलग प्याले में निकाल के चेक करके एग ख़राब ना हो, और फिर हम उसको इस मसाले में ऐड करेंगे। तो तमाम चीज़ें अच्छी तरह शामिल करके उसको मिक्स कर लीजिए और उसके कबाब बना लें। इस तरह से कबाब के शेप दे लेंगे हम। हमने यहाँ शामी कबाब बना लिए हैं और इसको मैंने इस तरह से फ्रीज़ करने के लिए रख दिया है। तो फ्रीज़ करते हैं, भी बर्तन में रखें, आप ट्रे में रखें या बॉक्स में रखें, तो इस तरह प्लास्टिक के लेयर ज़रूर लगा दें एक शीट से, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो इजीली हम इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो इसको शैलो फ्राई कर लें, गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तो हमारे मज़ेदार से यमी टेस्टी शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।